जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग भारतीय संविधान निर्माण के बारे में देखेंगे, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण के संदर्भ में। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो इसमें समय कितना लगा, आपको अच्छे तरीके से पता होगा। वो है दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान जो है बनने में लगा था। दूसरा पॉइंट देखेंगे अध्ययन। संविधान निर्माण में अगर आप अध्ययन देखेंगे तो 60 देशों के संविधान को पढ़कर बनाया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पूछा जाता है कि भारत का संविधान कैसा संविधान है, तो ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, 60 देशों के संविधान को पढ़कर बनाया गया है, तो इसको नोट करके चलेंगे। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे तो संविधान निर्माण में सत्र, सत्र यानी कि बैठक कितनी हुई। ये बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान निर्माण में कितनी बैठकें या कितने सत्र हुए, तो ध्यान रखिएगा 11 सत्र हुए। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जाए कि कुल बैठक या अंतिम बैठक को जोड़कर कुल कितने सत्र हुए, तो ध्यान रखिएगा 12। ये दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगर आप अंतिम बैठक को भी जोड़ देंगे तो टोटल दोस्तों संविधान निर्माण में 12 सत्र होते हैं, वैसे तो दोस्तों 11 सत्र हुए, इसको भी नोट करके चलना है। आगे देखेंगे संविधान निर्माण में वाचन। वाचन का मतलब होता है पढ़कर सुनाना। तो कितने वाचन हुए थे, तो ध्यान रखिएगा 3 वाचन हुए थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान निर्माण में कुल कितने वाचन हुए, तो ध्यान रखिएगा 3 वाचन हुए। अब दोस्तों संविधान निर्माण के समय ये देखा गया कि संविधान का नाम क्या रखा जाए, तो आप जानते हैं कि संविधान का नाम रखा गया भारत का संविधान। और इसका उल्लेख देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 393 में आपको दिखाई देता है। तो ये नोट करके चलना है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का संविधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 393। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो ये कब तैयार हो गया था, तो तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। ये पूछा भी गया है कि भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हो गया। तो इसमें आकार क्या थे, तो ध्यान रखिए भारत के संविधान में अगर आप आकार देखेंगे तो आकार में एक प्रस्तावना, 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं। ये पूछा भी जाता है कि संविधान निर्माण के समय आकार कैसा था, तो आकार दोस्तों एक प्रस्तावना थी, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अगर आप यही वर्तमान टाइम में देखेंगे तो प्रस्तावना तो दोस्तों वर्तमान में भी एक ही है, लेकिन भाग जो हैं ये बढ़ा दिए गए हैं। अब वर्तमान टाइम में भाग दोस्तों 22 से 25 हो गए हैं। वहीं आप अनुसूचियां देखेंगे तो 8 से 12 अनुसूचियां हो गई हैं, और आप अनुच्छेद देखेंगे तो 400 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं, तो इसको नोट करके चलना है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि संविधान निर्माण को स्वीकार कब किया गया, यानी कि जब हमारा संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया तो इसे हमने स्वीकार कब किया, अंगीकृत कब किया, तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार भी हो गया था और उसी दिन हमने इसे स्वीकार भी कर लिया था। तो दोनों तारीखें एक ही हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ और संविधान को स्वीकार कब किया गया, तो दोनों तारीखें हैं 26 नवंबर 1949 को। आगे देखेंगे संविधान निर्माण में अंतिम बैठक एवं हस्ताक्षर।
ये पूछा गया है कि संविधान निर्माण का अंतिम बैठक एवं अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब हुए, तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। ये बहुत बार पूछा गया है कि संविधान में अंतिम बैठक कब होती है, तो 24 जनवरी 1950 को। हस्ताक्षर कब होते हैं अंतिम रूप से, तो 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद दोस्तों अब बारी आती है संविधान को लागू करने की। तो संविधान को दो तरीकों से लागू किया गया था, एक तो दोस्तों आंशिक रूप से। आंशिक रूप से आप देखेंगे तो ये 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया, लेकिन दोस्तों पूर्णतः लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये दो तारीखें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया। तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949, पूर्णतः लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950। अगला पॉइंट देखेंगे, संविधान निर्माण में सुलेखक यानी कि इसको लिखने वाले कौन थे, जो बहुत ही सुंदर तरीके से इटैलिक भाषा में लिखा था इन्होंने। तो ध्यान रखिएगा इसमें आप सुलेखक देखेंगे तो दो लोग थे, एक तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने इन्होंने अंग्रेजी में संस्करण किया था, जबकि दूसरे लेखक थे बसंत कृष्ण बैद्य। बसंत कृष्ण बैद्य इन्होंने हिंदी संस्करण किया था। तो ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए कि संविधान निर्माण में सुलेखक कौन थे। एक थे प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, जिन्होंने अंग्रेजी में संस्करण किया था, और दूसरे थे बसंत कृष्ण बैद्य, जिन्होंने हिंदी संस्करण किया था। ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। अब कुछ अन्य पॉइंट है, कुछ अन्य निर्णय भी किए गए थे, जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चयन, ये तीनों काम दोस्तों एक ही तारीख को हुए थे, वो था 24 जनवरी 1950 को। तो आपको ये चीज नोट कर लेना है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चयन जो है एक ही तारीख को किया गया था, और वो था 24 जनवरी 1950। तो ध्यान रखिएगा आपको क्या पॉइंट याद रखना है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। और प्रथम राष्ट्रपति का चयन कब किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। एक ही तारीख को ये तीन काम किए गए। और तीसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया, तो आप जानते हैं 22 जुलाई 1947 को। तो राष्ट्रध्वज को भी नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो ये दोस्तों संविधान निर्माण के संदर्भ में था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।